और चले सीधे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक लगातार जारी है, चंडीगढ़ में बैठक चल रही है जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पर चर्चा हो रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, लगातार लंबे समय से यहां पर चंडीगढ़ में बैठक हो रही है और सीएम मनोहर लाल खट्टर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में यहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद हैं। लंबे समय से यहां पर कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं हरियाणा के विकास को लेकर जिनको लेकर कैबिनेट बैठक चल रही है और बैठक में चर्चा की जा रही है कि आखिर हरियाणा का चहुमुखी विकास कैसे किया जाए। मजबूत विपक्ष, तमाम चुनौतियां, सभी से यहां पर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को कहीं ना कहीं जूझना है उससे। और ऐसे में कैबिनेट की बैठक लंबे समय से चल रही है जहां पर किस तरीके से बीजेपी जेजेपी समन्वय बनाकर 5 साल तक सरकार चलाती है एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती हरियाणा का चहुमुखी विकास है। तीसरी चुनौती यहां पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है, उससे निपटना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तमाम ऐसे विषय हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार लंबे समय से यहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और एक कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से यहां पर हरियाणा में विकास करवाया जाए। लगभग 11:30 बजे से बैठक चल रही है, 1:00 कुछ मिनट हो चुके हैं और अब तक बैठक का दौर लगातार जारी है। चंडीगढ़ में बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा की जा रही है। इस बैठक में सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। सभी कैबिनेट के मंत्री यहां पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के विकास को लेकर यहां पर गंभीर चर्चा चल रही है, क्योंकि अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो अगर बीजेपी के और जेजेपी दोनों के मैनिफेस्टो पर नजर डाले तो दोनों का मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र है लगभग एक था। ऐसे में यह दावा किया जा रहा था दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि समन्वय बिठाकर जल्द ही मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। और अगर बात की जाए जेजेपी की तो जेजेपी ने कई चुनावी वादे किए थे जिसके बाद उसने जनता को भरोसा दिया था कि वो गठबंधन की सरकार में शामिल हुई है, जिसके बाद में उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा जिसके बारे में मैनिफेस्टो में लिखा गया था। बड़ी चुनौती यहां पर दोनों ही पार्टियों के सामने कि गठबंधन की सरकार में कैसे सभी वादों को यहां पर पूरा किया जाए। चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बैठक लंबे समय से चल रही है, इस कैबिनेट की बैठक में के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। जी जी, हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है और काफी लंबे समय से चल रही है। अब इस बैठक में एक तो तय माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसको मंजूरी दी जा सकती है और इसके साथ साथ और क्या फैसले लिए जाएंगे इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री 3 बजे जो है मीडिया से रूबरू होंगे और बताएंगे कि आज क्या क्या फैसले लिए गए और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और भी जो एजेंडा होगा मुख्यमंत्री मीडिया के सामने रखेंगे। अनिल जी, लंबे समय से यहाँ पर बैठक चल रही है, लगभग 11:30 बजे के करीब मेरी आपसे बात हुई थी तब ये बैठक शुरू हुई थी और अब 1:00 कुछ मिनट हो चुके हैं, लंबा समय बीत चुका है। लंबे समय से यहाँ पर बैठक चल रही है, तमाम ऐसे मुद्दे होंगे हरियाणा के विकास के लिए जिसको लेकर यहाँ पर चर्चा जरूर चल रही होगी। जी बिल्कुल, प्रदेश के विकास के लिए जो योजनाएं हैं या आगे क्या करना है उसके बारे में चर्चा हो रही होगी और इसके लिए आगे क्या काम होने वाले हैं। अनिल जी, अगर मैं गलत नहीं, जी दोनों पार्टियों ने वायदे किए हैं जनता से चुनावों में, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए जो कमेटी गठित की गई थी हो सकता है कि उसको लेकर भी चर्चा हुई कि आगे सरकार का क्या योजना है। लेकिन जब किसी से बात की जाए तो नहीं कहा जाता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी गठित की गई है, अनिल को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, वही आगे जो है बताएगी कि किस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लागू करना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए।